फ्रेंड्स, कई बार हमारी इंटरनेट बैंकिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, तो उसको रीएक्टिवेट कराने का एप्लीकेशन फॉर्म ब्रांच में कैसे सबमिट करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उसको फिलअप भी कैसे करना है वो भी मैंने लाइव एक एक स्टेप करके बताया है। फ्रेंड्स, आपके पास कुछ डिटेल्स पहले से होनी चाहिए, अकाउंट नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जनरली ब्रांच में मिल जाता है, अगर ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उस पर डाउनलोड करके ब्रांच में जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर डेट लिखी रही है, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर डेट भरनी होती है। जैसे आज की डेट है 14/11/2022। उसके बाद आता है जैसे कि कस्टमर नंबर। आप भी जो जिसका ये फॉर्म भर रहा है उस कस्टमर का यहाँ पर नाम आता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कुमार, आशु कुमार, ये मेरा नाम है। इसके बाद आता है अपने मोबाइल नंबर, जो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर आ जाते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है जैसे 9782XXX01। ये मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद आता है यहाँ पर कस्टमर नंबर। कस्टमर जैसे ये कस्टमर के अकाउंट नंबर आते हैं यहाँ पर। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो भी अकाउंट से जुड़े हुए नंबर है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसे मेरे अकाउंट नंबर है X82, ये मेरे अकाउंट नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिए है। उसके बाद आता है तो आपकी जो भी ब्रांच है SBI के अंदर, उस ब्रांच का और ये जहाँ पर पड़ती है उसका नाम भी लिख देना है आपको। तो ये मेरी ब्रांच का नाम है SBI, ये पड़ती है शिवगंज में, ठीक है। अब आपको क्या इशू है ये आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि मेरी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम आशु कुमार है, तो मेरा ये मैंने अपना नाम लिख दिया। और इसके पीछे आपको लगाना है, जब भी आप फॉर्म देने जाओ बैंक में, तो इसके पीछे आपको लगाना है आधार कार्ड। तो ये मेरा आधार कार्ड है, ये मैंने इसके नीचे रख के इसको यहाँ पर जमा करवा दिया। और ये फॉर्म भरने के बाद आपको डायरेक्टली SBI ब्रांच में जमा करवाना है, ठीक है। तो आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ये फॉर्म भरना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।